Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबको गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आपके दुआओं का असर है, मैं हमेशा अच्छा रहूंगा। आप लोग भी अच्छे रहेंगे। और एग्ज़ाम्स की डेट जो हैं वो आ गई ही हैं, कुछ एग्ज़ाम की डेट नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली होता क्या है कि अभी राइट नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO क्लरिकल मेन्स के एग्ज़ाम्स हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी वो परेशान हैं बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। तो बेटा टाइम जो होता है ना वो नहीं आता है, इसीलिए आपको प्रिपरेशन जो है वो हमेशा एक मेन्स के लेवल की करनी चाहिए और हमेशा बिल्कुल कॉन्स्टेंट होकर करना चाहिए। और यही आज का हमारा जो कोटेशन है, मोटिवेशनल कोटेशन, ये भी यही करता है। कहता क्या है, यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। आप कैपेबल इतने हो जितना आप खुद नहीं जानते हो। मैं हमेशा अपने हर बच्चे से बोलता हूं कि आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, आपके अंदर लॉट ऑफ पोटेंशियल है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। लेकिन हमने तो अपने आप को बांध रखा है। मैथ वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते, रीजनिंग वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते, करंट अफेयर्स वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हम केवल दोष देते हैं। और जिस दिन हमने दोष देना बंद कर दिया ना, उस दिन हम आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों फिर अपने आप को पहचाने, अपनी संभावनाएं जो आपके अंदर छिपी हैं उसको पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और हमेशा अपने अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहें। याद है ना, आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। शुरू करते हैं। सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हमारा क्या पैटर्न होगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन होंगे और लास्ट के 10 क्वेश्चन केवल एक रैपिड राउंड फायर वाला होगा, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है, ये आपको देखना है और ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू IEEFA विच स्टेट हैज एमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। मतलब कि IEEFA के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कौन सा राज्य अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, आपको इसके आंसर करने हैं और जल्दी से आंसर करना है आपको। हाँ राजू बेटा, जिद है तो जिद है जी। नितेश चौरसिया, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं इसके बारे में बताऊंगा, बात करूंगा, अभी पहले आंसर्स करिए, जल्दी से क्वेश्चन के आंसर करिए। क्या हमारा आंसर होगा रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जैसे विंड पावर, सोलर पावर, सी वेव्स की जो पावर होती है उसका यूज कैसे किया जाए। ठीक है, हाँ मोहित मलिक, बिल्कुल 10 o'clock पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर आंसर आ रहा है कर्नाटका, कुछ लोग बोल रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटका। कर्नाटका ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है। तो हम एक काम करेंगे, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर आपको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये सारा कुछ डिस्क्राइब करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कर्नाटका हैज एमर्ज्ड द लीडिंग स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, ये बात तो हमको मालूम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, कर्नाटका ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ा, जो कि तमिलनाडु कई सालों से नंबर एक पर स्टेट बना हुआ था। ठीक है, तो ध्यान देना, पुरानी वेबसाइट पर हो सकता हो तमिलनाडु शो हो, लेकिन अब कर्नाटका पहले नंबर पे हो गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, कर्नाटका में अभी राइट नाउ 12.3 गीगावाट कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की, काफी है ये अपने आप में। ठीक है, और जिन बच्चों को रिन्यूएबल एनर्जी अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो नीचे इमेज में आपको रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिफरेंस बताया गया है, आप उससे भी देख सकते हैं। कर्नाटका सही आंसर है बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है आज का, जल्दी से फटाक से। द यूपी गवर्नमेंट हैंडेड ओवर टू द सुप्रीम कोर्ट इट्स ड्राफ्ट ऑफ अ विजन डॉक्यूमेंट प्रपोजिंग टू डिक्लेयर द विच बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स अ नॉन प्लास्टिक जोन। मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को किस बिल्डिंग परिसर को नो प्लास्टिक क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव देने वाले एक परिकल्पना दस्तावेज का अपना मसौदा सौंपा है, आपको इसका आंसर बताना है। सिंपल लैंग्वेज में, एक बिल्डिंग है जिसको नो प्लास्टिक जोन घोषित कर दिया गया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर दिया, आपको इसका आंसर बताना है। सौरभ वर्मा का आंसर आ गया ताजमहल, और उत्पल ताजमहल बोल रहे हैं, ठीक है ताजमहल, सुमित योगी ताजमहल, नेहा ताजमहल, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, ताजमहल बिल्कुल सही आंसर है। तो ताजमहल के लिए जो जोन है, जो एरिया है, उसको नो प्लास्टिक जोन के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को डॉक्यूमेंट सौंप दिया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आपको हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और भी एडिशनल। ठीक है, चलिए, हेलो बेटा, हेलो सबको, हेलो, जल्दी जल्दी आओ,
टाइम हो गया है 7:30 का, 7:30 पर आना है, धमाल मचाना है, रोज रोज कहने वाली बात नहीं है। ये हमारा शो है, ये मेरा शो है, ये आपका शो है, ये टेस्टबुक का शो है जो हमें आगे सफल बनाएगा। तो प्लीज एंड प्लीज 7:30 पर आ जाया करिए, कोई इफ कोई बट नहीं है, ये एक तरह का आपका शाम को टेस्ट है कि आपने आज जो करंट अफेयर्स पढ़ा उसमें कितना आपने ज्ञान अर्जित किया। 7:30 पर आना है, हमारे वीडियोस को लाइक भी करना है, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त यार सखी सहेलियां कोई भी इससे लाभान्वित होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो यहां पर आपको स्लाइड दिख रही होगी, और ताजमहल के किनारे कितने ज्यादा प्लास्टिक गिरे हुए हैं वो भी देख लो आप इमेज में। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट ताजमहल के लिए सौंप दिया किसको, सुप्रीम कोर्ट को, फॉर नो प्लास्टिक जोन के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर है ताजमहल, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर निगरानी रखे हुए है, ठीक है, और कुछ पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाय बेटा सबको, हाय सबको, हेलो, और विक्रांत ठाकुर मैंने भी आप लोग को बहुत मिस किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का, ठीक है। चलिए, मैं भी आप लोग को देख के बहुत खुश हूं। बैजनाथ चौधरी आप भी बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन बुक्स एंड ऑथर्स गाइस, एंड बुक्स एंड ऑथर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948, मतलब निम्नलिखित में से कौन गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड का लेखक है, आपको उसका आंसर करना है, जल्दी करें। हाँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, अगर आपको इसे लर्न करना है ट्रिक के थ्रू तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उस पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है, और आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, और रामचंद्र गुहा, ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका सही आंसर है रामचंद्र गुहा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बुक्स एंड ऑथर्स कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में आता है, बैंकिंग हर एग्जाम में आता है, याद कर लेना। रामचंद्र गुहा जो है काफी प्रसिद्ध लेखक भी हैं, और गांधी जी के ऊपर उन्होंने काफी बुक्स पहले भी पब्लिश की हुई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, तो रेनाउड हिस्टोरियन एंड ऑथर, मतलब कि प्रसिद्ध लेखक जो हैं ये रामचंद्र गुहा, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है फादर ऑफ नेशन पे, राष्ट्रपिता पे। बुक का नाम आपको मालूम है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, और कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है, रामचंद्र गुहा सही आंसर है, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कृतिका गुप्ता गलत हो गया, कोई बात नहीं है, आगे फिर ट्राई करिए, कभी रुकिए नहीं। आप जब एग्जाम देते हैं एग्जाम, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब जैसे मैथ सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, जीएस सॉल्व कर रहे हो, जीके सॉल्व कर रहे हो, स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहीं से हमारा मोरल डाउन होता है, और हमें मोरल कभी डाउन नहीं करना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, हो सकता हो कि 4 क्वेश्चन नहीं है लेकिन अगले 20 क्वेश्चन हमें आने ही आने हैं, तो होप फॉर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या होगा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से। व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व्ड, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से जी, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें, आपस में बातचीत नहीं। हाँ, गांधी जी 1915 में आए थे, बिल्कुल आए थे। अब बुक का टाइटल है 1914, तो अब बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है, एक बार पढ़ लूंगा तो मैं बताऊंगा 1914 क्यों है, ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर, ये लोग बोल रहे हैं 5 जुलाई, कुछ बोल रहे हैं 10 जुलाई, अब जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उसकी बात, अब टेस्टबुक, ठीक। चलिए, और यहां पर आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 30th जुलाई। तो 30th जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, ये बात ध्यान दो। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं जहां पर आपको और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देंगे। प्लीज गाइस, हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे ध्यान से पढ़ा करें। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड अ कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, हैशटैग चाइल्डलाइन 1098, ये नंबर याद कर लेना, ठीक है। इनवाइटिंग पीपल टू शेयर इमेज ऑफ द चाइल्डलाइन 1098 लोगो दैट दे स्पॉट एट यूनिक लोकेशन एंड सेट इट विथ अ टैगलाइन। एक्चुअली है क्या, देखिए 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन सेलिब्रेट होता है, और इंडिया में जो ये बच्चे होते हैं ना, बच्चों का की मानव तस्करी बहुत ज्यादा होती है, या फिर इनको एज ए लेबर बनाया जाता है, या फिर इनके अंगों को बेचा जाता है, ये बड़ी कड़वी सच्चाई हमारे देश की है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड लाइन एक एनजीओ है जो पूरे इंडिया में वर्क कर रही है, और ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को ये एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करेंगे जहां पर आपको बच्चों की इमेज खींच के भेजनी है, तो ये आपको वहां पे पुरस्कार भी देंगे, ठीक है, नीचे आपको इमेज भी दिख रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
हाँ संग्राम नायक बिल्कुल सीजीएल के लिए भी होगा, थोड़ा डेट वेट आने दो तो हम और भी चैप्टर के साथ आपके सामने प्रकट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा है? हाँ बिल्कुल अंकुर सिंह, यूपीएससी के लिए ही तो बेटा हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, वरना बैंक एसएससी रेलवे में इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता, पॉइंट टू पॉइंट आता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम हर बच्चे को कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए, इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन काफी लंबे में देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, आइए, विच कंट्री विल होल्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फीमेल पार्लियामेंटेरियंस, मतलब महिला संसद सदस्यों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में होगा। मुझे अच्छे से याद है लास्ट ईयर यह हुआ था इंडिया में और क्वेश्चन भी आया था, इस बार कहां पर होगा ये आपको बताना जल्दी से फटाक से। और यहां पर सुमित का आंसर आ गया है, सही है अमन, ठीक है बेटा, नायक अशोक, नीतीश, ज्ञानेश, ओके ठीक है, और आंसर सही आ रहा है आयरलैंड, तो आयरलैंड बिल्कुल, वियतनाम गलत है, शिवम सिंह गलत आंसर, आंसर सही है आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है इस बार ये जो महिला संसद है, महिला सांसद है पूरे वर्ल्ड की, उनकी मेजबानी करेगा आयरलैंड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ कुछ बच्चे बैंकिंग के लिए पूछ रहे थे, कल सुबह 9:30 पर मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का एक शो आएगा, एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, 25 क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज एंड प्लीज उस क्लास को लीजिएगा, बिकॉज मैं भी ड्यू टू सम रीजन आपको मालूम ही है मैंने बैंकिंग क्लास ले नहीं पाई, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू से पढ़ाऊंगा कैसे हम बैंकिंग के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, 25 क्वेश्चंस होंगे गाइस, प्लीज और प्लीज 9:30 आ जाइएगा। जो भाई लोग नहीं आ पाए हैं इस समय, जो बाद में वीडियो देखेंगे या जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनको भी आप बताइएगा कि 9:30 पे हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का शो आने वाला है कल सुबह 9:30 पर, और ये मैं गारंटी लेता हूं कि आप शो को देखिए, आपको इससे फायदा जरूर होगा। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या हमारी आयरलैंड वाली, देखो श्याम आसरे सर भी जुड़ गए हमारे साथ, श्याम आसरे अभी करंट अफेयर्स बहुत पढ़ते हैं सर हमारे और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आयरलैंड विल होल्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फीमेल पार्लियामेंटेरियंस इन डबलिन, यानी ये डबलिन में होगा, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, और कोई पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यहां पे एस्टीमेट हुआ है कि 300 डेलीगेट्स आएंगे 27 कंट्री से, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे बिकॉज ये एस्टीमेशंस हैं, ठीक है। हाँ आयरलैंड के स्टडी पॉइंट आ सकते हैं, आयरलैंड की करेंसी क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैपिटल कौन है, ये आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। सुनील बेस्ट टॉपिक कोई नहीं है, पूरा हम कहीं से भी उठाएंगे, हम एमसीक्यू लेके आएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इस बार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने बैंकिंग के एग्जाम होने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अरे सुमिता बेटा ऐसा है ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, बड़े मुश्किल से टाइम निकला है 9:30 का, और बेटा किसको अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठकर मतलब 8 o'clock पे उठ जाओ फिर काम करो, है ना, तो ये मेहनत बेटा आपके लिए है, अगर हम भी एडजस्ट करेंगे बेटा तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो हमारा जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन करियर तो आपका है, तो क्यों अपने आप को बांधना है। 9:30 पर आइए सीधे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन एयर फोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2018, अ मल्टीनेशनल ड्रिल शेड्यूल इन विच कंट्री, मतलब पहली बार भारतीय वायुसेना जो है वो एक वायुसेना अभ्यास करने वाली है पिच ब्लैक, ये कौन सा देश जो है होस्ट कर रहा है आपको ये बताना है। अरे योगेश सिंह बिस्ट मैं एकदम कूल हूं, मैं समझा रहा हूं बस, ठीक है। चलिए नमस्ते लोकेश भैया, नमस्ते। हाँ अतुल कुमार, शेफाली मैम एसएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले रही हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एक बार उनके वीडियोस देखिए, वो बड़ा अच्छा पढ़ाती भी हैं और हम लोगों से बड़ी एक्सपीरियंस तक लेती हैं शेफाली मैम हमारी, तो एसएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो करवा रही हैं बेटा, ठीक है। चलिए और आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर क्या है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है, पिच ब्लैक डिफेंस एक्सरसाइज हमेशा एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा है ऑस्ट्रेलिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आपको हम और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। पहली बात ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, आपको दिख रहा होगा कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर कौन है, मेलकम टर्नबुल है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है, माइकल मैककॉर्मैक है। और करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद क्या, ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये 2 साल में 1 बार होती है, 2 साल में 1 बार, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड पल्लव पाल, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। Which month will be celebrated as National Nutrition Month every year? Means, हर वर्ष किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, ये आपको बताना है। ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जय महाकाल श्याम भैया, जय महाकाल, ठीक है। और यहां पर आंसर कौन पहले देता है, मैं देख रहा हूं यहां पर, जल्दी आइए। गोलू बेटा मैं बिल्कुल अच्छा हूं, सुनील बिस्ट
चलिए, और आंसर आना शुरू हो गया है, आंसर आना शुरू हो गया है, लोग जुलाई भी बोल रहे हैं, सितंबर भी बोल रहे हैं, अगस्त भी बोल रहे हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सितंबर। तो अब हर महीने, हर साल में सितंबर का जो मंथ होगा वो राष्ट्रीय पोषण माह यानी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा कंप्लीट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आपको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये डिसीजन किसमें लिया गया है? ये डिसीजन पोषण अभियान, जो एक गवर्नमेंट स्कीम है हमारे देश में, इस बार मार्च में 2018 में ये लॉन्च किया गया, इसके तहत ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग, इन्होंने 24 जुलाई 2018 को न्यू दिल्ली में एक नेशनल काउंसिल ऑन इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंज को एक समिट को ऑर्गेनाइज किया और उसमें यह डिसीजन लिया गया। आपको इतने बड़े बड़े पॉइंट याद करने ही नहीं है, बस पोषण अभियान के तहत ये हुआ है, दिल्ली में मीटिंग हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन मिस्टर राजीव कुमार जो हैं, ये लोग मीटिंग में थे। इससे ज्यादा डाटा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभिजीत पॉल, मैं बिल्कुल अच्छा हूं बेटा, बिल्कुल बढ़िया हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, आभा मिश्रा, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया एनडीए के में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आज का फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इशूड एन ऑर्डर टू नॉट अलाउ एक्सेस टू मीडिया पर्सनल इनसाइड द विधान सुधा द स्टेट असेंबली बिल्डिंग। मतलब कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा भवन के भीतर मीडिया कर्मियों की पहुंच को इजाजत न देने का आदेश जारी किया है? मतलब कि विधानसभा में मीडिया कर्मी नहीं पहुंच पाएंगे, कौन सा स्टेट है? फटाक से क्वेश्चन आंसर दें। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। हां, आरबीआई ग्रेड भी बेटा सबके लिए, सब एग्जाम के लिए है। ठीक, और यहां पर आपको देना आंसर। वंदना, आपका पहला दिन है, मोस्ट वेलकम, आपका हमारे शो में बने रहे ऐसे ही। और आंसर यहां पर आ रहा है कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका छा गया है और आंसर है कर्नाटका। तो कर्नाटका बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटका जो है, यहां के जो चीफ मिनिस्टर है, नाम तो पता ही होगा आपको, तो इन्होंने मीडिया कर्मी को बैन कर दिया है। वैसे कौन है चीफ मिनिस्टर कर्नाटका, जरा बताओ मुझे कमेंट में। ठीक, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, यहां पर आपको हम इंफॉर्मेशन दे भी दे रहे हैं। ठीक, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एचडी कुमार स्वामी, नाम मालूम होगा शायद आपको, है, इन्होंने ऑर्डर इशू किया है कि जो विधानसभा है वहां पर कोई मीडिया कर्मी नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कहानी, सारी कहानियां हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे वीडियो के बाद, लिंक में वीडियो में पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एचडी कुमार स्वामी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया हमारा, और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज का? ठीक है, चलिए, विच नेशन विल होस्ट द नेक्स्ट एशियन एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग। कौन सा देश आसियान शिक्षा मंत्रियों की अगली बैठक आयोजित करेगा? ठीक है, एशियन फुल फॉर्म आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं अभी बता दूंगा आपको। एशियन का हेडक्वार्टर कहां पे है? ऐसे भी क्वेश्चन स्टैटिक में खूब बनते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करें, क्या इसका सही आंसर होगा? हाँ, योगेश यादव, लेकिन अब आएगा, रेगुलर आएगा बेटा। ठीक है, चलिए, हाँ, रेलवे एएलपी एलपी सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अमन खान का आंसर आया है, म्यांमार बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या म्यांमार, काफी आंसर आ रहे हैं, और जहां मेजोरिटी है वहां हम हैं, कुछ लोग साउथ कोरिया भी बोलने वाले हैं, जापान भी बोलने वाले हैं। सही आंसर है म्यांमार। तो जो म्यांमार है वो एशियन एजुकेशनल मिनिस्टर मीटिंग को होस्ट करेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आपको हम, पहले नीचे आइए, नीचे देखिए, नीचे हमने यहां पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब एशियन के बारे में कुछ बातें बताई, पहले उसे देख लीजिए। ठीक है, देखिए, सेक्रेटरीट का मतलब हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक होई है, लिम जोक होई है। मेंबर कंट्री कितने हैं? 10 मेंबर कंट्री हैं, इनके नाम आपको यहां पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, और 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, उनके भी नाम आपको शो रहे होंगे। एशियन को याद कर लीजिएगा, एशियन से काफी क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे वाले जरूर याद कर लें। ठीक है, अच्छा, ऊपर आइए, तो यहां पर क्या बोला गया है? म्यांमार जो है वो होस्ट करेगा मीटिंग एशियन एजुकेशनल मिनिस्टर की। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें भागीदार होंगे। ठीक, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस हाँ, ये मीटिंग कहां पर होगी ये आपको याद करना था। ठीक है, एकदम अच्छा हूं, बहुत बढ़िया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होने वाला है, फटाक से देखिए। ठीक है, चलिए, टू विच कंट्री हैज नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड 200 काउस टू सपोर्ट इट्स प्रेसिडेंट एम्बिशियस ग्रीनका इनिशिएटिव फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड टैकलिंग चाइल्डहुड मालन्यूट्रिशन।
मतलब नरेंद्र मोदी ने गरीबी में कमी और बचपन के कुपोषण से निपटने के लिए किसके राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षी गिरिंका पहल का समर्थन करने के लिए इस देश को 200 गाय गिफ्ट की हैं, जल्दी बताएं। गोलू शर्मा, आपको टेस्टबुक की टी शर्ट चाहिए, आप सिलेक्शन लीजिए, आपको मुंबई बुलाया जाएगा। बच्चे हमारे सिलेक्शन लिए आपको हम बुलाएंगे, आपको हम टी शर्ट भी देंगे, ठीक है। चलिए, और आंसर आने शुरू हो गए हैं। रवांडा लोग बोल रहे हैं, रवांडा बिल्कुल सही है। देखो, मुझे ये मालूम था कि मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन पता होंगे, लेकिन किस स्कीम के तहत ये जरूरी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो गिरिंका, ठीक है, तो रवांडा सही आंसर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आपको रवांडा के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं देंगे बिकॉज कल हम दे चुके हैं, हाँ और भी हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, रवांडा के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम कल मैंने बताया, पॉल कैगमे, इनका एक इनिशिएटिव है गिरिंका, इसके तहत 200 बच्चों को, अरे 200 गायों को गिफ्ट दिया गया है। गिरिंका का मतलब क्या होता है, मे यू हैव अ काउ, मतलब हर परिवार के पास एक गाय होनी चाहिए। भाई गाय होगी तो क्या है, आप चाहे तो आप डेयरी का वर्क भी कर सकते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको दूध दूध पिला सकते हैं। इसके बाद गाय से आप क्या कर सकते हैं, इनका जैसे जो ईंधन में यूज होता है गोबर उबर, बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की है, ठीक, गिरिंका। आइए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 10 क्वेश्चन का जो लास्ट में आंसर वाली स्लाइड है वो आपके सामने शो भी हो रही होगी। अब 10 क्वेश्चन मेरे जो मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर फटाफट करना है, देखते हैं कितना आंसर कोई कर पाएगा, कितना आंसर कोई नहीं कर पाता, और अपने मार्क्स लास्ट में हमें आपको बताने हैं कितने मार्क्स आपके यहां पर आए हैं, ठीक है। एक बार के लिए, बस एक मिनट के लिए फिर से मैं बात करना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, एक बात ध्यान देना, कोई भी तुमको पढ़ा देगा लेकिन तुमसे कोई गारंटी नहीं लेगा कि जो वो पढ़ा रहा है वही एग्जाम में आ रहा है। हम केवल तुम्हें एक रास्ता दिखाते हैं, रास्ता आपको देखना है, चलना आपको है, आपको मेहनत करनी है। गाइज ये याद रखिएगा, हम केवल एक वे आपको प्रोवाइड करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं ये आप पर डिसाइड करता है। मैंने क्या बोला, आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है अपने ऊपर बिलीव करने की। यू आर द बेस्ट, यू आर ऑसम, बस ये चीज सोचो कि आई एम द बेस्ट, और धीरे धीरे अपने फोकस की तरफ चलते रहो, कभी रुको नहीं, कभी गिव अप नहीं करना है गाइस, और कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाक से देखिए जल्दी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीसीओ ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड, मतलब कि बजाज ऑटो लिमिटेड का सीसीओ किसे नियुक्त किया गया है, आपको यह बताना है, जल्दी से बताएं। मैं यहां पर वेट कर रहा हूं क्वेश्चन के आंसर का। 10 में 10 दानिश, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ टी शर्ट, भैया टी शर्ट मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, सिलेक्शन तो लो पहले। हाँ विराट सिंह, यू आर द बेस्ट। सुनील कुमार, कैसे हैं आप? प्रणव, बिल्कुल बी पॉजिटिव हमेशा। अविनाश प्रशांत, टी शर्ट दे देंगे भाई, सिलेक्शन तो तुम टी शर्ट के पीछे पड़ गए हो। हाँ दीपक, बिल्कुल आप बेस्ट हैं। कैन विल मस्ट, आई कैन आई विल आई मस्ट, जल्दी से क्वेश्चन आंसर बताओ। और यहां पर आंसर अभी तक राकेश शर्मा लोग बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राकेश शर्मा, मुकेश जोशी आई थिंक गलत आंसर है। राकेश शर्मा, तो राकेश शर्मा बिल्कुल सही आंसर है, आप लोगों ने सही आंसर दिया है लोगों ने। तो ये पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है, आपको इसका आंसर पता था, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें, और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का। चलिए, विच बैंक हैज सेट अप एन वॉर रूम लॉयर टीम फॉर बैड लोन रिकवरी, मतलब एक बैंक है जिसका पैसा बहुत मार्केट में फंस गया है, तो इस पैसे को लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो लॉयर की एक टीम बना रहे हैं, तो वो बैंक कौन सा, नाम बताना है आपको। गुड इवनिंग बेटा, अभी गुड इवनिंग हो रहा है, 7:30 होना चाहिए, मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हो तुम लोग आज। हाँ राकेश शर्मा का आंसर बहुत कम आया है। अरे टी शर्ट मिल जाएगा, टी शर्ट तभी मिलेगा जब सिलेक्शन होगा। चलो हाँ, SSC के लिए भी क्लास चलती है, सारी हमारे पास सारी क्लास है, हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज हैं, कोई भी हो, चाहे आपके सचिन सर हो, चाहे आपके परिकल्प सर हो, चाहे आपके यादव सर हो, है ना श्यामा सर। अब मैथ की बात करें, उत्कर्ष सर हैं, बाहुबली हैं मैथ के, हमारे पास शिवम सर हैं, छोटा मोटा फैकल्टी मैं भी हूँ, शेफाली मैम, प्रतिभा मैम, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन के आंसर करें। बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल सही आंसर है, और गाइस 28 को इसका एग्जाम भी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूलिएगा नहीं, 9:30 पर कल आपको आना है, वहां पर हम बैंकिंग के MCQs की बात करेंगे, लाइव आएंगे तो और मजा आएगा, मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल डिड लोकसभा रिसेंटली पास फॉर द टीचर एजुकेशन कोर्सेज, मतलब लोकसभा ने हाल ही में शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जो बिल होते हैं ना, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जल्दी
जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे, यहाँ पर पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं मतलब जो ये बीएड टीटी सीटी जो होते हैं ना, ये सब उसके लिए बीडीसी के लिए है। और सौम्या बिल्कुल सही आंसर दे दिया आपने बेटा, नवीन बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एनसीटीई अमेंडमेंट बिल ऑप्शन नंबर 2। एनसीटीई फुल फॉर्म इसका है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन बिल 2017 बिल, इसे याद कर लेना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, मैंने आपको बता दिया। यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बेस्ड है फॉर्मूला 1 कार रेस पर। देखते हैं, हु वॉन द जर्मन ग्रांड प्रिक्स 2018, जर्मन ग्रांड प्रिक्स 2018 किसने जीता है? फटाक से जल्दी से, हाँ जिसका सिलेक्शन हो गया डीएसएसबी पे, चलो ठीक है बात कर लेते हैं। तुम लोग तो यार टी शर्ट के पीछे पड़ गए, वहां चलो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कैंसिल करना है फटाक से। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और यहाँ पर आंसर आना भी शुरू हो गया है, देखता हूँ क्या इसका सही आंसर है। और आंसर आ रहे हैं, इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज का, जल्दी से, लुइस हैमिल्टन बिल्कुल सही है। विच कंट्री बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडियन पब्लिक सेक्टर फर्म्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 2018, मतलब कि 2018 के अप्रैल से जून जो 3 महीना होता है उसके दौरान भारतीय सरकारी कंपनियों को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, हाँ, और अनमोल का आंसर आ गया है, बोल रहे हैं ईरान। ओके नीतीश ठीक है, राजीव विनोद ज्योति दीपिका अमोल गौरव सुमित भावना बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ईरान। तो ईरान जो है ये दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जो कि हमको ऑयल को इंपोर्ट करता है। ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट करता है हमें। ठीक है, ईरान ईरान सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब हाल ही में किस राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया गया है, जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन के आंसर बताइए फटाक से, फटाक जल्दी जल्दी। ठीक है, लास्ट में आपको मार्क्स भी बताने का, इसके कितने मार्क्स आपने 10 में कितने आपने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, और अपने आपको इससे कंपेयर करिए, आपने फर्स्ट डे वीडियो देखा आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, आज आप वीडियो देख रहे हो कितने मार्क्स आपके आ पा रहे हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपके अंदर ये करंट अफेयर्स का इंटरेस्ट आया है कि नहीं आया, ये सारी चीजें होती हैं। तो खुद मोटिवेशन हमें यहां से मिल सकता है। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं, लोग बोल रहे हैं तेलंगाना। ऑप्शन नंबर से बता दो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहां पर, और ऑप्शन नंबर यहां पर है 2। तो दूसरा ऑप्शन मतलब तेलंगाना महाराष्ट्र एंड पंजाब, तेलंगाना महाराष्ट्र और पंजाब जो है यहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो बैंकिंग फाइनेंस नाबार्ड आरबीआई ग्रेड बी उसमें आने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, द लोकसभा हैज पास्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल 2017 ऑन चेक बाउंस केसेस, चेक नहीं बाउंस हो जाता है, द बिल शैल अमेंड विच एक्ट टू रिजॉल्व द इशू, मतलब बोला गया कि लोकसभा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है जो चेक बाउंस के लिए है, तो आपको बताना है कि ये किस एक्ट को मतलब अमेंड करेगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आज के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, परेशान मत हो, क्वेश्चन थोड़े टफ भी हैं बेटा। ठीक है, चलो, और प्रतिमा का आंसर बिल्कुल सही आ गया है, वेरी गुड बहुत अच्छे। इसका सही आंसर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एक दिन मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लास लूंगा तो जिनको पढ़ना होगा वो आ जाएंगे, लेकिन दिन अभी डिसाइड मैंने नहीं किया है, कल का दिन डिसाइड है, 9:30 पर आपको आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रिजर्व बैंक ऑफ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं गारंटी लेता हूं आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो ये क्वेश्चन आएगा, आप चाहे तो देख लेना। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सून इशू न्यू 100 रुपीज नोट विथ मोटिव ऑफ विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूपांकन के साथ नए 100 रुपए के नोट जारी करेगा, क्या है आप बता, आपको बताना है जल्दी से फटाक से। गोलू शर्मा सारी क्लासेस होंगी बेटा, सारी क्लासेस होंगी, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ, एवरीथिंग इज इजी नथिंग टफ, आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ा तो टफ है बेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुमित योगी, बिल्कुल सही योगी, ओके वेरी गुड, बढ़िया नाम है तुम्हारा।
चलो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, रानी की वाव. ठीक है, ऑप्शन नंबर टू रानी की वाव. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर नाइन, जल्दी से. Who has been named the first ever female High Court Chief Justice of Pakistan? पाकिस्तानी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? जल्दी जाएं. हाँ बिल्कुल सही, गुजरात, बिल्कुल सही. और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, हाँ 100 रुपए के नए नोट के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए. हालांकि ये क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा एमसीक्यूज में. और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन पहले देते हैं, कौन किसका आंसर आएगा. बिल्कुल प्रज्ञा जल्दी से आंसर दें, फटाक से आंसर दें. और यहां पर आंसर आना शुरू हुआ है. ताहिरा सफदार बोल रहे हैं, अजय क्या ये सही आंसर है ताहिरा? ऑप्शन फोर की मेजोरिटी ज्यादा है, तो आंसर सही है ताहिरा सफदर. ताहिरा सफदर जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हाईकोर्ट की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. इस बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स, द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हैज बिगन इन. विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कहां पर शुरू, किस शहर में शुरू हो गया है, आपको उसका आंसर करना है जल्दी से. हाँ ताहिरा सदवर एकदम सही आंसर है. अब इस क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, क्या इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 4 टी शर्ट और आंसर आना शुरू हो गया. ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है चेन्नई. ना हैदराबाद नहीं, चेन्नई. चेन्नई है. 10 क्वेश्चन पहले 10 क्वेश्चन बाद में अपने मार्क्स शेयर करें, अपने मार्क्स देखें कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं. मोटिवेशन हमारे हर तरफ है, बस ये होता है कि हम कहां से मोटिवेशन ले सकते हैं. दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास. अगर आपको नहीं पता थी तो मालूम कर लीजिए 7:30 पे हमारा शो आता है. और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम यहां पर देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन दी है. अगर आपके अंदर जिज्ञासा है उस नॉलेज में कुछ और जानने के लिए तो प्लीज एंड प्लीज आप उसमें अपने से भी सर्च कर सकते हो और ज्यादा. ठीक है, तो हमारा बस यही ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे पॉइंट आपके लिए यहां पर लाएं. ठीक दोस्तों, कल मिलेंगे 7:30 पर. उसके पहले 9:30 मॉर्निंग हमारा बैंकिंग अवेयरनेस पे शो आएगा. आपको आना है तो आप आइए और शो मजेदार होने वाला है. ठीक है, और लास्ट में बस वही है, कभी गिव अप नहीं करना है. आई कैन, आई विल, आई मस्ट. जिद है तो जिद है जी, एंड आई एम व्हाट आई एम. दोस्तों मिलते हैं कल 9:30 पे मॉर्निंग में और 7:30 पे करंट अफेयर्स में. सब लोग अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से खाना खाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए. थैंक यू.